फ्रेंड्स कहते हैं जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, मंजिल उनके कदम चूमती है। जी हाँ, ये चंद लाइनें आज मान्या सिंह पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। वो मान्या सिंह जिन्हें कल तक कोई नहीं पहचानता था, आज हर किसी के जुबा पर उन्हीं का नाम है। मान्या सिंह फेमिना मिस इंडिया 2020 की रनर अप चुनी गई हैं। 10 फरवरी को मुंबई में मिस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मान्या ने फर्स्ट रनर अप का ताज अपने नाम कर लिया है। उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह ने ये ताज तो अपने नाम कर लिया, लेकिन उनके लिए यह राह आसान नहीं थी। मान्या ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने संघर्ष के साथ ही अपनी जर्नी को भी शेयर किया है। मान्या सिंह के पिता 3-व्हीलर चलाते हैं, उनका जीवन काफ़ी मुश्किलों में बीता है। हालात ऐसे भी रहे हैं कि कई रातों को उन्हें भूखा भी सोना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद मान्या ने हालात के आगे घुटने नहीं टेके और उनसे लड़ने की ठान ली। इंस्टाग्राम पर अपने परिवार की तस्वीरों को शेयर करते हुए मान्या ने लिखा कि मैंने बिना खाए पिए भूखे रहकर कई रातें बिताई हैं। मैं ना जाने कितने दिन दोपहर में मीलों पैदल चली। मेरा खून पसीना और आंसू मेरी आत्मा के लिए खाना बने और मैंने सपने देखने की हिम्मत जुटाई। रिक्शा चालक की बेटी थी, मुझे कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। मान्या ने आगे बताया कि मेरे पास जो भी कपड़े थे वो मेरे खुद के सिले हुए थे। किस्मत मेरे साथ नहीं थी, मेरी डिग्री की फीस देने के लिए माँ और पिता ने जेवर भी गिरवी रख दिए थे। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। जब मैं 14 साल की थी तो घर से भाग गई थी। इसके आगे मान्या ने बताया कि मैं दिन में पढ़ाई करती थी और शाम के टाइम बर्तन साफ करती थी, वहीं रात को मैं कॉल सेंटर में जॉब करती थी। मैंने जहां भी जाती पैदल जाया करती ताकि रिक्शे के पैसे बचा सकूं। मान्या ने आगे कहा कि अगर आप कड़ी मेहनत और जुनून के साथ कोशिश करेंगे तो आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। इसके साथ ही मान्या ने लिखा कि उनके पिता पर गर्व है। यकीनन मान्या आज कई यंग लड़कियों की प्रेरणा बन गई हैं। तो एक खबर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये खबर मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह की है। तकलीफ़ों के चलते किस तरह से अपने आप को इस मुकाम तक लेकर आई, एक प्रेरणा का स्तोत्र। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।